मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो गए? आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, स्कूल कब खुलेगी कोई ठीक नहीं है अभी। ओके, जुलाई में खुलेगी या अगस्त में खुलेगी? तो पैराडाइज वैली स्कूल आप लोगों के लिए लाया है ऑनलाइन क्लासेस, जिससे आप लोग लॉकडाउन के टाइम में या छुट्टी के टाइम में आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। डेली आधे घंटे 45 मिनट का वीडियो आप लोगों के पास अपलोड हो जाता है। ओके, तो आज हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, क्लास फोर का कंप्यूटर, और चैप्टर वन इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में। तो हम आप लोग को पिछले क्लास में इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के बारे में बताया, आप लोगों को कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम आप लोगों को आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेस का क्या यूज होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस शोज द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है, आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, रिजल्ट को शो करना। इनपुट डिवाइसेस का क्या काम होता था, जो भी डाटा वगैरह जो भी रहता है अगर आपको उसमें डाला रहेगा तो इनपुट डिवाइस आप लोग करेंगे। प्रोसेसिंग का क्या काम रहता था, तो डाटा आप लोगों ने इनपुट किया उसको प्रोसेस करना। और आउटपुट का क्या काम रहा, उस जो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आएगा वो होगा आउटपुट डिवाइसेस का काम। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सा हो गया, मेनली रूप से मॉनिटर हो गया और प्रिंटर। याद रखिएगा आप लोग कि आउटपुट डिवाइसेस में आप लोगों क्या क्या आता है, मॉनिटर मेनली रूप से एंड प्रिंटर। मॉनिटर एंड प्रिंटर। ओके, अब हम आप लोग को यहां फिर से बताते हैं मॉनिटर को डिटेल से बताते हैं। व्हाट इज मॉनिटर, इट शोज द वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर। अगर आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, वर्क बीइंग डन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू आपका वर्क खत्म हो जाता है, द आउटपुट दैट वी गेट ऑन अ मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आपका वर्क खत्म हो जाता है, जैसे आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो पेंटिंग आप लोग कर लेते हैं तो मॉनिटर में शो जो करता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। याद रखिएगा हमेशा, जो आपका कंप्यूटर में रहता है उसको हम लोग करते हैं सॉफ्ट कॉपी। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। तो मॉनिटर आपको बता दें, मॉनिटर कितने तरह के होते हैं, मॉनिटर के बारे में हम लोग पढ़ा लेते हैं। तो मॉनिटर तीन तरह के होते हैं, सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। ओके, मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, एलसीडी को क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, एंड एलईडी मॉनिटर। अब हम तीनों के बारे में बताते हैं, सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, एलसीडी मॉनिटर क्या होता है और एलईडी मॉनिटर क्या होता है। तो सीआरटी मॉनिटर आर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। सीआरटी मॉनिटर क्या होता है,
जैसे अभी क्या आज के डेट में देखते हो पतला पतला होता है, ठीक है मॉनिटर, बट पहले के आज से मान के चलिए कि 10 साल पहले या 15 साल पहले जो चलता था सीआरटी मॉनिटर चलता था, ऐसे टीवी की तरह डब्बा की तरह लगा था। ओके, तो वो क्या करता था कि बिजली ज़्यादा खाता है, यानी उसमें बिजली जो होती है बहुत ज़्यादा कंजम करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें ज़्यादा रहती थी, बिजली बिल भी आपका ज़्यादा आता था। ओके, सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर इस तरह का होता है, आप लोग देख लीजिएगा फोटो में, बुक होगा तो देखिएगा सीआरटी मॉनिटर किस तरह का पहले होता था। अब उसके बाद सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी के बाद आता है बोथ सीआरटी एंड एलईडी मॉनिटर प्रोड्यूस साथ इमेज, बट एलसीडी मॉनिटर हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग मच थिनर लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। अब एलसीडी मॉनिटर क्या होता है, पहले तो सीआरटी मॉनिटर चलता था जो ज़्यादा बिजली खाता था, बट एलसीडी मॉनिटर आ गया तो जो बिजली उसमें ज़्यादा खाता था सीआरटी मॉनिटर में, उससे अब ये कम बिजली खाता है, और इसका जो शार्पनेस है और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सीआरटी से ज़्यादा एलईडी आने शुरू हो गए, क्योंकि ये हल्का भी होता है, एलसीडी मॉनिटर हल्का भी होता है, बिजली भी कम खाता है। ओके, और उसका शार्पनेस और ब्राइटनेस जो भी होता है उसका सीआरटी से बहुत अच्छा होता है। ओके, द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर आर एलईडी मॉनिटर, दीज मॉनिटर लुक मोर या लेस सेम एज एलसीडी मॉनिटर्स, दीज हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड आर मच इन डिमांड देन एलसीडी मॉनिटर। अब हम ऊपर आते हैं, पहले तो सीआरटी आया, सीआरटी के बाद एलसीडी आया, अब एलसीडी के बाद आ गया एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर में क्या होता है, बिजली तो एलसीडी के बराबर ही खाता है, ओके, बट इसके जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छा है, एलसीडी से थोड़ा अच्छा है। तो आजकल जो मार्केट में डिमांड आ रहा है उसका सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, एलसीडी मॉनिटर का। ओके, पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है और सीआरटी से भी, सीआरटी में जितना बिजली कंजम होता था उससे कम होता है एलसीडी में और एलईडी मॉनिटर में, बट इसका पिक्चर क्वालिटी जो एलईडी का होता है वो बहुत अच्छा होता है। ओके, मॉनिटर के बारे में आप लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारा स्पीकर, आउटपुट डिवाइस में आपका आता है एक स्पीकर। स्पीकर तो आप लोग देखे होंगे कैसा होता है, स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर, दे मे बी बिल्ड इनटू द सिस्टम यूनिट या कनेक्टेड विद केबल्स टू सीपीयू। स्पीकर का यूज कहाँ करते हैं, आप लोग को अगर गाना सुनना हुआ कंप्यूटर पर अगर गाना सुनना होता है तो आप विदाउट स्पीकर आप गाना नहीं सुन सकते हो, या हेडफोन लगा सकते हो, या तो स्पीकर में जो कनेक्ट होता है सीपीयू से कनेक्ट होता है। ओके, सीपीयू से कनेक्ट होता है, अगर आप मूवी देख रहे हो या गाना सुन रहे हो प्ले करो आपका स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ आएगा। ओके, विदाउट स्पीकर आप लोग मूवी नहीं ले सकते हो, गाने नहीं सुन सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं सुन सकते हो। ओके, नेक्स्ट लाउडर, प्लॉटर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट्स ऑफ ड्राइंग ऑन पेपर शीट। प्लॉटर होता क्या है, पहले आप लोग को हम बताते हैं प्लॉटर होता क्या है। प्लॉटर एक मान के चलो आप प्रिंटर देखे हो, छोटा सा होता है, ए फोर साइज का या थ्री साइज का प्रिंट आउट निकलता है, छोटा से छोटा निकलता है, बट अगर बहुत बड़े बड़े फोटो निकालना होता है, जैसे आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हो बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर होता है, ठीक है, देखते होगे, जैसे स्कूल का ही देख लो, आपके स्कूल के बाहर लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, तो बड़ा सा इमेज से निकालने के लिए प्लॉटर का हम लोग यूज करते हैं, उससे आप चाहे जितने बड़े बड़े इमेज निकालना चाहते हो उससे आप लोग निकाल सकते हो प्रिंट आउट। ओके, तो प्रिंटर से ये बड़ा रूप होता है और इसमें हम लोग बड़े बड़े पिक्चर
प्रिंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर होता क्या है, इट हेल्प्स यू टू टेक द आउटपुट्स ऑन द पेपर। इसकी मदद से, प्रिंटर की मदद से आप लोग जो पेज पर आउटपुट, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी फोटो हो, उसको हम लोग निकालते हैं। द प्रिंटर कॉपी इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और हम आपको पहले बता चुके हैं सॉफ्ट कॉपी किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर में आप ड्राइंग करते हैं वो सॉफ्ट कॉपी हुआ, और जो भी कंप्यूटर में रहता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, और जो कंप्यूटर से प्रिंट आउट के थ्रू निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। पेज पर जो निकलता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर। अब प्रिंटर भी तीन तरह के होते हैं, ये भी आप लोग बताते हैं, और इसके बारे में बताते हैं जो तीन तरह के प्रिंटर होते हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल्स हम बताते हैं। कौन कौन से प्रिंटर हुए, पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा हो गया इंकजेट, और तीसरा हो गया लेजर प्रिंटर। ये तीन तरह के प्रिंटर होते हैं। ओके, तो हम लोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर एंड क्रिएट्स द इंप्रेशन बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। इट इज वेरी नॉइजी एंड डू नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉट एज सो कॉमन नाउ अ डे। They given output only in black and white. अब यहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है, जस्ट लाइक टाइपराइटर के जितना थोड़ा होता है। ओके, टाइपराइटर आप लोग देखे होंगे तो उसके जैसा होता है, और इसका जो क्वालिटी आता है पेपर का क्वालिटी, जो प्रिंटिंग क्वालिटी आता है वो उतनी अच्छी नहीं आती है, और इसकी क्वालिटी जो होती है ब्लैक एंड वाइट में आती है। ओके, बस इतना ही जानना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ओके, वेरी नॉइजी होता है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे वो काम करता है। ओके, और हम आपको ये भी बता दें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज जो होता है, रेलवे स्टेशन पर जब आप टिकट खरीदने के लिए जाओगे तो वहां पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है। ओके, समझ गए, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। ओके, बहुत स्लो ये काम करता है, वर्क करता है बहुत स्लो, और इसके पेपर की क्वालिटी, पेपर क्या प्रिंटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है इसकी, उतनी अच्छी नहीं होती है जितना लिख सकता है, बट ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट करता है बस, और कुछ नहीं इसमें। द इंकजेट प्रिंटर स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ, इंकजेट प्रिंटर आते हैं, द इंकजेट प्रिंटर स्प्रे droplets of ink on paper to form the text and graphics. It is ideal for routine business work and personal document. It can give output both in black and white and in color. It produces high quality prints when used with a special paper. Inkjet printer क्या होता है? Inkjet printer आप लोग color निकाल सकते हैं, फोटो ब्लैक भी निकाल सकते हैं, वाइट भी निकाल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट दोनों निकाल सकते हैं, और कलर भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, स्प्रे करता है, जैसे इसमें जो कलर होते हैं सारे कलर भरे जाते हैं, और ये स्प्रे की तरह काम करता है, और इसका क्वालिटी जो होता है बहुत अच्छा होता है, और क्वालिटी एज जैसा अच्छा पेपर रहेगा उसके अनुसार से इसमें क्वालिटी आएगी। ओके, इसके बाद आते हैं लेजर प्रिंटर।
The laser printer uses laser beam and dry ink to print. लेजर प्रिंटर क्या होता है? इसमें जो होता है ड्राइंग सूखा इंक जो होता है वो काम करता है, पाउडर जैसा इंक होता है उनका, ठीक है, उसका पाउडर जैसा इंक होता है और वो ऐसे काम करता है लेजर बीम के थ्रू। ओके, जो प्रिंट आउट करते हैं तो लेजर बीम उसमें होता है और उसी से वो प्रिंट करता है। इट इज यूज मेनली इन पब्लिशिंग हाउसेस। It prints very fast and given high quality output. It works like a photocopier. The laser printer costs more than inkjet printer. जो laser printer होता है वो inkjet printer से महंगा होता है, but ये बहुत fast काम करता है, बहुत ज़्यादा fast काम करता है, ठीक है। कुछ भी प्रिंट आउट निकालना होता है laser printer का यूज़ करते हैं। आज जो भी फोटोकॉपी वाले जो होते हैं, फोटोकॉपी वाला जो मशीन होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। ओके, तो उससे बहुत जल्दी जल्दी फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं आप लोग और इसकी क्वालिटी भी, आउटपुट क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, बहुत फास्ट भी होता है। ओके, बस आप लोग का ये तीन प्रिंटर के बारे में पढ़ लिए। ओके, तीनों के बारे में पढ़ लिए हैं, आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस भी समझ गए हैं, स्टोर स्टोर करके रखना। ओके, कंप्यूटर में क्या स्टोर करके रखा होता है, उसी के बारे में पढ़ें। द डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो भी डाटा रहता है आपके कंप्यूटर में उसको स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं। स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी यूनिट्स आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं उसको, या मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर पार्ट्स में ही एक आता है, जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में इनबिल्ट होता है। ओके, नाउ लेट अस मोर अबाउट स्टोरेज डिवाइसेज। अब हम आप लोगों को कुछ स्टोरेज डिवाइसेज के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया मेमोरी, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर इंटर्ड इन टू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन सम स्टोरेज मीडिया। दिस स्टोरेज मीडिया इज नोन एज मेमोरी। देर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब जो कंप्यूटर के अंदर ये इनबिल्ट होता है, कंप्यूटर के अंदर आप लोग कुछ भी डाटा, एनी डाटा, चाहे वो मूवी हो, वीडियो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी फाइल हो, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग जो स्टोरेज डिवाइस को कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। ओके, तो यहाँ पर मेमोरी दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला हो गया प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हो गया सेकेंडरी मेमोरी। हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इट इज द मेन, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज प्रेजेंटेड ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, मदरबोर्ड में शिफ्ट होता है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर होता है तो प्राइमरी मेमोरी होता है। मदरबोर्ड के अंदर जो भी मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, वो कुछ ही टाइम के लिए मेमोरी उसमें स्टोर होता है। उसके बाद जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो मेमोरी खत्म हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रैम मेमोरी। तो उसमें हो गया है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी टू टाइप, रैम एंड रोम।
रैम क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। ओके रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज यूज फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्पोरली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, इट्स डाटा गेट्स इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। हम आपको पहले बताए थे प्राइम मेमोरी क्या होता है, कुछ ही देर के लिए आपका डाटा वहां पर रहता है, नहीं तो फिर जैसे जैसे अकाउंट करते हैं वो डाटा खत्म हो जाता है। इट इज यूज टू होल्डिंग द डाटा टेम्पोरली, टेम्पोरली यानी कुछ ही समय के लिए उसमें डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद जब कंप्यूटर इज वर्किंग, जब भी आपका कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है तब वो डाटा वहाँ पर रहता है, अदरवाइज द डाटा गेट्स इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो वो जो डाटा रहता है वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, फिर से आप अगर ऑन कीजिएगा तो वो डाटा आपका डिलीटेड नहीं होगा। रॉम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इट हेल्प्स द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट द कंप्यूटर, इट इज परमानेंट मेमोरी। अब रॉम इसी में आ जाता है, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है इसको होल्ड करके होता है। तो रॉम क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन, जैसे आपका कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन उसमें डाल देते हैं तो उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। और जो ऑपरेटर को ऑपरेटर द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है उसके लिए वो करता है, इट इज परमानेंट मेमोरी, इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं। रॉम को हम लोग परमानेंट मेमोरी कहते हैं, रैम को हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं, यानी टेम्पररी यानी कुछ ही समय के लिए, और इसमें होल्ड करके हम लोग देख सकते हैं। ओके मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, द सीपीयू एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर अटैच्ड टू इट। इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सीपीयू के मदरबोर्ड से। ओके बस एक यहीं पर एक पॉइंट लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको हमेशा याद रखिएगा। अब सेकेंडरी मेमोरी पर आते हैं, आप लोग प्राइमरी मेमोरी आपका खत्म हो गया, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का हम लोग यूज क्या करते हैं, उसमें आप लोग को जो भी डाटा रहता है, वीडियो वगैरह जो भी रहता है वो परमानेंटली उसमें सेव हो जाता है। ओके इट्स डाटा इज नॉट इरेज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अब इसमें जो डाटा जो रहता है वो आपका डिलीट नहीं होता है, जब भी आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे तो ये डाटा डिलीट नहीं होता है, आप ऑन भी कर रहे ये डाटा जो जिसमें हम लोग डाटा परमानेंटली रूप से यानी हमेशा के लिए रख सकते हैं, तो क्या होता है हार्ड डिस्क में आप लोग डाटा जो भी हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइल्स हो गया, इसमें आप लोग सेव करके रखिएगा तो परमानेंटली रूप से सेव हो जाता है। और लाइफ में आप कभी भी देखना चाहते हैं, चाहे 5 साल 10 साल 20 साल बाद भी देखना चाहते हैं तो ये आपको वहाँ पर शो कर देगा। ओके जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है ये सब परमानेंटली मेमोरी होता है। ओके इसमें डाटा सेव कर लेते हैं, आप लोग ज्यादा दिन तक डाटा सेव करके इसमें रख सकते हैं। आपका चैप्टर एक पर खत्म हुआ, कुछ फैक्ट भी जाड है। हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय आईबीएम टीम लीडर बाय रे जॉनसन, ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था,
आईबीएम, आईबीएम एक कंपनी होती है, आईबीएम कंपनी है, इसके लीडर, टीम लीडर रे जॉनसन ने हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था। ओके चलिए अब कुछ आपको पॉइंट्स को रिमेंबर करने के लिए, आप लोग पॉइंट्स है उसको आप लोग याद रखना है, आप लोग बता देते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको पढ़कर सुना देते हैं, आप लोग बुक खरीद लीजिएगा, बुक में आप लोग का रिमेंबर पॉइंट रहेगा, उसको हमेशा याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ओके क्योंकि ये काम करता है इलेक्ट्रिसिटी से। ओके सेकंड पॉइंट है इनपुट डिवाइस हेल्प अस टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन को डाटा उसके अंदर डालता है, ठीक है, इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन करता है, ओके जो भी डाटा रहता है। थर्ड पॉइंट हो गया कीबोर्ड एंड माउस आर मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में आपका मेनली रूप से कीबोर्ड और माउस आता है। माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। माइक्रोफोन का काम होता है कि वॉइस को रिकॉर्ड करना, म्यूजिक और सॉन्ग को रिकॉर्ड करना होता है। डिजिटल कैमरा इज यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। डिजिटल कैमरा का हम लोग क्या यूज करते हैं, फोटो खींचना होता है और या तो वीडियो को रिकॉर्ड करना होगा, तो हम लोग डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस डज ऑल रिजल्ट ऑफ आवर वर्क्स डन बाय द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डिवाइस का काम क्या होता है, जो भी काम होता है उसको रिजल्ट देना, उसको प्रोसेस कर रहे थे उसको रिजल्ट देना काम होगा। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या काम होता है, जो भी आपका डाटा आया उसको प्रोसेस कर रखे उसका आउटपुट देना। स्टोरेज डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेज का क्या काम होता है, जिससे डाटा को स्टोर करके रखना एंड इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखना। दीज आर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट आउटपुट डिवाइसेज शो द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क्स डन बाय द कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेज का क्या काम होता है, वो जो प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है उसको वर्क उस काम को करने को हम लोग आउटपुट डिवाइसेज करते हैं। ये सब पॉइंट हुआ रिमेंबर करने के लिए, आपको रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग का होमवर्क क्या आता है, होमवर्क आप लोग को बता देते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, पांच टिक ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, उसको आप लोग पढ़ करके किताब से या मेरा वीडियो देखे होंगे देखिएगा, तो उससे उसमें आपको सारा प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी पांच आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। ट्रू फॉल्स, ये भी आपका पांच ट्रू एंड फॉल्स है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, ये बहुत आसान है। मैच द फॉलोइंग भी आपको पांच दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी आपको बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा, ओके। और जितने ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ओके। बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग डेली मन लगा कर पढ़िए। लॉकडाउन है, स्कूल कब खुलेगी ये कोई पता नहीं है, पढ़ाई सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है, सबसे बड़ा धन आपका पढ़ाई हो, उससे बड़ा धन आपका पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी धन नहीं है, सबसे बड़ा धन आपका एजुकेशन, आपका पढ़ाई, ओके। इस धन को कभी गंवाइए मत, वेस्ट मत कीजिए, ओके।
आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं पढ़ाई करना है आप लोगों को, अगर मन लगा कर पढ़ाई करोगे आप दुनिया के हर मुकाम को छू सकते हो। ओके, तो पढ़ने में नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, आप लोगों को कहते हैं ये लॉकडाउन का पीरियड है, कम से कम दिन भर में 2 से 3 घंटे तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू।